पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्र। पुलवामा हमले में शहीद हुए मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी ने ज्वाइन की इंडियन आर्मी। देश में 44 डेज बाद संक्रमण के सबसे कम नए केस, पिछले 24 घंटे में 3,660 लोगों की मौत। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अब तक देश भर में 20,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई। पीयूष गोयल। आईएमए अध्यक्ष जयलाल बोले, एलोपैथी गलत है तो सरकार इसे बैन कर दे। रामदेव से चर्चा क्यों करे, क्या वे आयुर्वेद के डॉक्टर है। जहरीली शराब पीने से अब तक 28 लोगों की मौत, करीब एक दर्जन लोगों की हालत नाजुक। लापरवाही के आरोप में कई अधिकारी सस्पेंड। अलीगढ़। महाराष्ट्र उल्हासनगर में बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 7 लोगों की मौत, कुछ के मलबे में दबे होने की आशंका। औरंगाबाद में ब्लैक फंगस का विस्फोट, अब तक 53 की मौत, करीब 600 मरीज मिले। महाराष्ट्र। मुंबई और महाराष्ट्र के लिए राहत की बड़ी बात, मुंबई में नए केस 1,000 से भी कम, महाराष्ट्र में 20,740 मामले। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिनों के लिए बढ़ेगा। मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया, संभाजी राजे ने मुख्यमंत्री को दिया 6 जून तक का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्लास 11th एडमिशन सीईटी द्वारा होगा 11वीं में प्रवेश। मुंबई में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पहुंचे। अगले 48 घंटे में देश के कई इलाकों में दस्तक देगा मॉनसून, भारी बारिश की संभावना। सचिन वाजे केस, आरटीआई के जरिए मांगी गई केस से जुड़ी जानकारी, मुंबई पुलिस ने कहा ये जनहित से जुड़ा मामला नहीं है। दाह संस्कार से शमशानों में बढ़ते प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, आधुनिक तरीकों पर विचार करने का दिया निर्देश। महाराष्ट्र। 1 तारीख को लागू होंगे नए नियम, 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, राजेश टोपे। महाराष्ट्र। समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बढ़ा, नवनीत कालरा भारी कीमत पर बेच रहा था नकली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कालाबाजारी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बोली पुलिस। समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बढ़ा, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में आए 20,740 नए मामले।